इस वीडियो का टॉपिक है डीआईडी, जिसको एसपीडी भी कहते हैं। वैसे इन दोनों को सुनकर आपके मन में दो इमेजेस आई होगी, तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ये दो नहीं है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और हाँ एक और नाम से भी कह सकते हैं एमपीडी, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट, अरे नहीं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, आखिर ये है क्या? वैसे ये हम सब अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म में होता है। आपने कभी देखा होगा, आप थके हो और आप ड्राइविंग या वॉकिंग कर रहे हो तो पता नहीं लगता कि सोच में चले जाते हैं। वो कहलाता है डिसोसिएशन या फिर डे ड्रीमिंग, मतलब कि हम फिजिकली अवेलेबल हैं लेकिन मेंटली नहीं। तो अब आते हैं डीआईडी पर। अरे इसकी बात नहीं कर रहा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं। मैं दो एग्जांपल देता हूँ। आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार डॉक्टर होता है और दिव्या बालन पेशेंट, जो एसपीडी से जूझ रही होती है। पावर रेंजर की बात नहीं कर रहा। तो एक और मूवी है अन्ना, जिसको हम अपरिचित के नाम से भी जानते हैं। इसमें विक्रम हमारा हीरो, इसके तीन करेक्टर डेवलप हो जाते हैं, एक ओरिजिनल, दूसरा स्टड गाय और तीसरा जो हर बुरे काम करने वाले को सजाए मौत देता है। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा तभी होता है जब किसी के पास्ट में या कोई किसी बुरी सिचुएशन में हो, लाइक ट्रोमेटिक सिचुएशन, लाइक बहुत दर्द, घबराहट और दुख में। ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन अपने को बचाने के लिए किसी सेफ मोड में चला जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये ठीक हो सकता है? जी हाँ, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, टॉक थेरेपी, हिप्नोथेरेपी यूज होती है। और अब बात करते हैं रियल लाइफ केस का। किम नोबल, जिसकी 20 पर्सनैलिटी है और 2D चेस की 92 अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, और इन सभी केसेस में एक बात कॉमन है, ये सभी कभी न कभी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकल कर आए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनसाइड योरसेल्फ।